हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSC Info 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है APGT नागरिक शास्त्र का 25वां भाग है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र का विचार द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र का विचार द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसने दिया था? ऑप्शन एक है जवाहरलाल नेहरू, दो है विंस्टन चर्चिल, तीन है जॉर्ज वर्नाल्ड शाह, फोर है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र का विचार दिया था। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। व्याख्या में देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का विचार सर्वप्रथम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार व विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। तो दोस्तों, हर वर्ष 25 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह के युद्ध न उभर आए। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश कौन कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम। द्वितीय विश्व में बहुत राष्ट्र थे। आगे देखिए, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 राष्ट्र हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र शामिल हैं। इस संस्था की संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है दोस्तों, वो हेग में है, ठीक है, नीदरलैंड हेग। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, नागरिक भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत प्रवासी भारतीय किसे माना गया है? भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत प्रवासी भारतीय किसे माना गया है? ऑप्शन एक है भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, विदेश में निवास कर रहे भारतीय, अनिवासी भारतीय नागरिक, दोहरी नागरिकता प्राप्त भारतीय मूल के व्यक्ति। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा पहला नंबर, भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को प्रवासी भारतीय माना गया है। व्याख्या देखते हैं, प्रवासी भारतीय भारतीय नागरिकता अधिनियम के अनुसार उसको कहा जाता है जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं। अनिवासी भारतीय नागरिक NRI उन भारतीय नागरिकों को कहते हैं जो शिक्षा व्यवसाय हेतु विदेश में रह रहे हैं। दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका के संविधान में है। भारत में एकहरी नागरिकता को अपनाया गया है। आगे देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन एक है राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य एक साध्य है, राज्य वर्गीय संस्था है, राज्य अस्थाई है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्य एक साध्य है। कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो क्या हो जाएगा, राज्य एक साध्य है, ये कथन असत्य हो जाएगा। दोस्तों, व्याख्या देखते हैं इसका, कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचार में राज्य एक कृत्रिम संस्था है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि कार्ल मार्क्स के अनुसार बुर्जुआ वर्ग के लिए राज्य कानून बनाता है,
जिससे मजदूर वर्ग का शोषण होता है। उनका मत है कि साम्यवादी क्रांति के बाद राज्य लुप्त हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के बारे में क्या सही नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के बारे में क्या सही नहीं है, दोस्तों क्या सही नहीं है जब आ जाता है तो पहले आप देख लेंगे कि राज्यपाल के बारे में क्या क्या सही है, जो सही है उसको हटा देंगे, जो गलत है वही आपका आंसर हो जाएगा। पहला देखते हैं, ऑप्शन है एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता, तो ए वाला ऑप्शन गलत है, यही सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, दो राज्यों को देख सकता है, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला नंबर आंसर यहाँ पे नहीं के जगह हो सकता है, मतलब एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यहाँ पे लगा दिया है नहीं, तो पूछा है राज्यपाल के बारे में क्या सही नहीं है, तो यही सही नहीं है ए वाला, कि वो एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता है, ए वाक्य पूरी तरह से गलत है, वो हो सकता है। दूसरा ऑप्शन जो है वो सब देख लीजिए, राज्यपाल विधान परिषद का पदेन सभापति नहीं होता है, सही बात है, राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल का अंग है, सही बात है, वह अपने कार्यकाल पूरे होने पर भी नए राज्यपाल की नियुक्ति तक बना रह सकता है, ये भी सही बात है, जो सही कथन नहीं है वो पहला है। व्याख्या देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल एक या एक के साथ दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, तो किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 153 में कहा गया है फ्रेंड्स। आगे देखिए, राज्यपाल विधान परिषद का सभापति नहीं होता है, विधान परिषद का सभापति सदस्य अपने में से वरिष्ठ सदस्यों के चुनाव द्वारा करते हैं, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है, अन्य दो अंग विधानसभा व विधान परिषद है, राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, परंतु अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। आगे देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन को दक्षिण सहयोग के एक नए मंच के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किस संगठन को दक्षिण सहयोग के एक मंच के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन एक है इप्सा, ऑप्शन दो है ब्रिक्स, ऑप्शन तीन है G20, ऑप्शन फोर है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर एक वाला हो जाएगा इप्सा, इप्सा आपका आंसर हो जाएगा, इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण सहयोग के एक नए मंच के रूप में इप्सा को जाना जाता है। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स, दक्षिण सहयोग का आरंभ 1968 में आयोजित अंकटाड सम्मेलन नई दिल्ली से माना जाता है, दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने वाले प्रमुख मंच अंकटाड समूह 17, गुट निरपेक्ष आंदोलन, G15, दक्षिण आयोग, आसियान, सार्क, हिम तक्षेत या D8 है, इनके माध्यम से दक्षिण संवादों का विकास हुआ है, संवादों का विकास हुआ है और विकासशील देशों के आपसी सहयोग में वृद्धि हुई है। भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका की 17 अक्टूबर 2017 को डरबन दक्षिण अफ्रीका में त्रिस्तरीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक हुई। आगे देखिए, इस बैठक में इप्सा देशों के मंत्रियों ने दक्षिण सहयोग एवं तीन महाद्वीपों के से बड़े तीन बड़े बहुवादी बहुसंस्कृति और बहुनस्लवादी समाज को एक साथ लाकर वैश्विक महाद्वीप के समूह के रूप में महत्व को रेखांकित किया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय
संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है दोस्तों, प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, ये सही बात है। प्रस्तावना में संघ शब्द अंकित नहीं है, ये भी आपका सही बात है। प्रस्तावना कानूनी रूप से बाध्यकारी है, ये गलत बात है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों सभी के सभी तीनों सही है, तीसरा ऑप्शन आपका गलत है, इसलिए आपका आंसर तीन होगा। प्रस्तावना कानूनी रूप से बाध्यकारी है, ये आपका गलत कथन है प्रस्तावना के संबंध में। व्याख्या देख लीजिए, प्रस्तावना या उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनी नहीं है, लेकिन यह संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। जहां संविधान की भाषा को समझने में असमंजस की स्थिति बनती है, वहां उद्देशिका संविधान की विविध विधिवत व्याख्या में सहायता करती है। विधिक व्याख्या में क्या करती है? सहायता करती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान उद्देशिका में तीन शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता जोड़े गए हैं। इसके अलावा उद्देशिका में आज तक कोई संशोधन नहीं किया गया है, अर्थात सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है दोस्तों, उसके बाद कभी संशोधन नहीं हुआ है। आगे देख लीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध अंबेडकर से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध अंबेडकर से नहीं है? दोस्तों अंत्योदय का विचार, महत सत्याग्रह, काल राम मंदिर सत्याग्रह, मूक नायक का प्रकाशन। तो दोस्तों उनका संबंध किससे नहीं है? तो अंत्योदय का विचार से अंबेडकर का संबंध नहीं है, और तीनों से उनका संबंध है, महत सत्याग्रह, काल राम मंदिर सत्याग्रह, मूक नायक का प्रकाशन से उनका संबंध है। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स, अंत्योदय का विचार अंबेडकर जी का नहीं है, बल्कि यह विचार विनोबा भावे ने दिया है। अंत्योदय का अर्थ आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों का उदय या विकास करने की प्रक्रिया या भाव से है। शेष अन्य संबंध अंबेडकर जी से है, शेष अन्य का जो संबंध है तीनों का वो अंबेडकर जी से है। महद सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र में दलितों को पानी दिलाने के उद्देश्य से किया गया। महद जो महद सत्याग्रह है वो 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र में दलितों को पानी दिलाने के उद्देश्य से किया गया। काल राम मंदिर सत्याग्रह नासिक में 2 मार्च 1930 में किया गया। मूक नायक एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन अंबेडकर द्वारा 1920 में किया गया। आगे देखिए फ्रेंड्स, सुमेलित करना है दोस्तों, निम्नलिखित को जोड़ो को सुमेलित जोड़ा जो नहीं है वो बताना है, ठीक है। पहले आप देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दिया है, अवरोध और संतुलन का लक्षण है इसके संविधान में। फ्रांस में प्रशासनिक कानून है, इंग्लैंड में विधि का शासन है, स्विट्जरलैंड में एकल कार्यपालिका है। तो आंसर आपका जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, चौथा है, स्विट्जरलैंड एकल कार्यपालिका, ये गलत है, तो यही आपका आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, और तीनों मिलान सही है। स्विट्जरलैंड में एकल कार्यपालिका के लक्षण नहीं है, बल्कि वहाँ बहु कार्यपालिका पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राजनीतिक व्यवस्था अवरोध और संतुलन के लक्षण को प्रदर्शित करता है। फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण प्रशासनिक कानून के, और इंग्लैंड के राजनीतिक व्यवस्था विधि का शासन द्वारा परिलक्षित होता है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है दोस्तों, संसद का, सचिवालय का, प्रशासनिक न्यायाधिकरण का, राज्यों के महाधिवक्ता का, भारत का सॉलिसिटर जनरल का। तो किसका उल्लेख नहीं है, तो भारत का सॉलिसिटर
जनरल का उल्लेख नहीं किया गया है। व्याख्या देखिए, भारत के संविधान में भारत का सालिसिटर जनरल का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत का सालिसिटर जनरल भारत के अटॉर्नी जनरल के अधीनस्थ हैं। वह देश का दूसरा कानून अधिकारी है। वह अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है और भारत के अतिरिक्त सालिसिटर जनरलों द्वारा उसकी सहायता की जाती है। वर्तमान में मतलब 2020 में भारत के सालिसिटर जनरल तुषार मेहता थे। आगे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक के आमुख में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रशंसात्मक उल्लेख किया है? निम्न में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक के आमुख में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रशंसात्मक उल्लेख किया है? गार्नर ने, लास्की ने, जॉर्ज वर्नाड शाह ने, बार्कर ने। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, बार्कर ने अपनी पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया है। व्याख्या देखिए, वार्कर ने अपनी पुस्तक में भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रशंसा करते हुए कहा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। वह अपनी पुस्तक में कहते हैं कि उद्देशिका में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सभी आवश्यक तत्व समाहित हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप अगर वीडियो देखे हैं, आप लोगों ने वीडियो को देखा है और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। सभी लोग को तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों।